दोस्तों, इस वक्त मैं JNU में हूँ और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स यूनियन का जो इलेक्शन है 2024 का, वो अभी अभी ख़त्म हुआ है। और इस इलेक्शन में अफरोज़ आलम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, और इनकी जो पार्टी थी, जो इनका संगठन था, वो था छात्र राष्ट्रीय जनता दल। और इन्होंने इलेक्शंस में, JNU का जो इलेक्शंस था उसमें इन्होंने वंचित समाज के मुद्दे को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया। अभी ये JNU में कोरियन जबान में MA कर रहे हैं, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में। और अफरोज का जो संबंध है, जो इनका ताल्लुक है, वो बिहार के चंपारण ज़िले से हैं। ये वंचित समाज से आते हैं। तो हम आज बात करेंगे अफरोज से कि JNU का उनका सफ़र चंपारण से दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा, सियासत में उनकी दिलचस्पी कैसे हुई, और छात्र राजनीति को कैसे देख रहे हैं, और देश में जो वंचितों के ऊपर, खासकर जो अकलियत और मुसलमान के ऊपर जिस तरह से उनको जो टारगेट किया जा रहा है, उस परेशानी से इस संकट के दौर में, इस बुहरान के दौर में हम कैसे बाहर निकले, ये इनके पास क्या सुझाव है, ये क्या समझ रहे हैं। अफरोज, आपने हमसे बात करने के लिए रजामंदी जाहिर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप चंपारण में कहाँ से हैं, आपका परिवार कैसा है, आपके घर वाले कौन सा काम करते हैं, और यहाँ तक दिल्ली में आप कैसे हैं। मेरा नाम अफरोज है और मैं यहाँ पे जो है ना कोरियन सेंटर में MA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं चंपारण के मझोलिया ब्लॉक से आता हूँ और मेरे पिताजी जो है ना फार्मर हैं और हमारी माता जो है ना हाउसवाइफ हैं। मैं यहाँ दिल्ली का सफ़र मेरा बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मैं यहाँ पे दिल्ली में 2014 में आया, जामिया में 9th क्लास में एडमिशन लिया। उसके बाद से हमने स्कूलिंग जामिया से किया और उसके बाद से जो है ना मैं BA के लिए जो है ना आ गया JNU में। और पहले पर्शियन में था, फिर मैं कोरियन में आया और धीरे धीरे यहाँ पे आकर के मैं अपना पॉलिटिकल जो कॉन्शियसनेस जो है ना हमारे अंदर जागा और हमारी आवाज़, हमारी जगह समाज में कहाँ है, हमें जो हमारे लिए कौन आवाज़ उठा रहा है, कौन हमें कैसे अपने आवाज़ जो है ना हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको कैसे न्याय कैसे मांगना है, कैसे हम अपने आवाज़ को आगे लेके जा सकते हैं, इसका जो है ना चेतना हमारा JNU के अंदर जगा। और इसके बाद जो है ना मैं धीरे धीरे जो है ना सक्रिय राजनीति में आया। अच्छा अफरोज, आपके बारे में बताया जा रहा है कि आपका संबंध जो है मुस्लिम समाज में पसमानदा, यानी बैकवर्ड क्लास, जो बैकवर्ड कास्ट से है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, मैं अंसारी समाज से आता हूँ। मुस्लिम समुदाय में जो पसमानदा, एक जुलाहा इनको बोला जाता है बुनकर, मैं अंसारी समाज से आता हूँ। और उसका अंसारी समाज और स्पेशली जो पसमानदाओं का अगर हालात देखें यार, इस पूरे इंडिया में, इनफैक्ट सब कंटिनेंट में, तो बहुत ही जो है ना बुरा है। सबसे पहला दिक्कत तो यह है कि इस्लाम में अगर आप देखें तो यहाँ इस्लाम में जो है ना इनक्वालिटी जो है ना का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इस्लाम के जो मानने वाले जो है ना उसमें जो है ना इनइक्वालिटी जो है ना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ना बरकरार है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम जो है उसूलन उसमें गैर बराबरी के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जो समाजी जिंदगी है, जो अमली जिंदगी है, उसमें आप लोगों के साथ गैर बराबरी लोग करते हाँ हैं। बिल्कुल, उसमें जो है ना गैर बराबरी है। और जैसे जो है ना हिंदुइज्म में है वैसे ही जो है ना यहाँ पे कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन है। जैसे सैयद जो है ना सबसे अपना टॉप पे आते हैं, ठीक है, उसमें जो है ना उसमें भी पठान हैं और भी जो है ना जातियाँ हैं, पसमानदा जो है ना बैकवर्ड में आते हैं। उस पर कुछ ऐसे जो मुस्लिम्स हैं जो कि जिनका हालात जो है ना बहुत ही खस्ता है, जो जैसे हिंदू में जैसे जो दलित्स हैं, बुद्धिज्म में जो दलित्स हैं, एकदम उनके जैसा ही जो है ना हालात जो है ना, या फिर उनसे बुरा ही बोल सकते हैं। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट अगर आप देखते हैं तो बाकी चीज़ें देखते हैं तो बहुत ही बुरा है, दयनीय है। तो उनका जो है ना अभी उनको जो है ना वो दलित का दर्जा जो है ना हमारे यहाँ है नहीं। जी। इंडियन संविधान में जो है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है ना इसका कोई प्रावधान नहीं है कि उनको जो है ना एज ए दलित ट्रीट किया जाए, चूँकि उनका हालत बहुत ख़राब है। तो उनको जो है ना बैकवर्ड पसमानदा में ही है। तो हमारी आवाज़, हमारी मांग यही है कि उनको जो है उनका जो हक है, 5,000 सालों से उनको उनके साथ जो नया अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ जो है ना आवाज़ हम उठा रहे हैं और उनको जो है ना न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के खिलाफ जो है ना हमारा पूरा संघर्ष शुरू हुआ है यहाँ पे। और इसको हमने अपने JNU के मंच से भी इसको हमने रखा। आप हमें बताइए, बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो पसमांदा मुसलमान के जो लीडर हैं या जो उनके
नज़रिया साज हैं, ये लोग जाति की बात, ज़ात पात की बात मुस्लिम समाज के दौरान, मुस्लिम समाज के अंदर में बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, ऐसा है नहीं। तो क्या आपको, आपने क्या क्या महसूस किया, आप अपने समाज में क्या आपने देखा है, कुछ आप अपनी ज़िंदगी से कुछ यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, उनका जो है ना, जो भी आप बोले वो तो बेबुनियाद है, क्योंकि आप जो है ना सच्चर कमेटी का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, तो उसमें आप देखिए कि मुसलमानों का हालात सबसे बदतर है। उसमें भी कौन मुसलमान है जिनके हालात, अगर मुसलमानों की आबादी देखिएगा इंडिया में तो 80% जो है ना मुसलमान की आबादी जो है ना पसमानदा है, और फिर से 80% 15 से 20 जो है ना अशराफ आपको मिल जाएंगे। तो जो वो जो एक्चुअल जो फिगर है, जो वो फिगर किसको दर्शाता है, वो पसमानदा मुस्लिम का ही फिगर दर्शाता है उसमें। और दूसरा, आप रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट देखिएगा, तो उसमें जो है ना क्लियरली उन्होंने जो है ना मुस्लिम्स में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसको उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन किया है, और उन्होंने ये भी बताया है कि इनको जो है ना मुस्लिम्स में जो है ना दलित का जो है ना प्रावधान होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी में भी जो है ना दलित का प्रावधान होना चाहिए, इसको साफ साफ बताया गया। ये तो रही दूसरी पहली बात। दूसरी बात जो है ना, देखिए समाज में, मुस्लिम समाज में भी जो है ना आज भी पसमानदाओं को लेकर के जो है ना आपको कास्टिस्ट जो है ना सलर जो है ना डेवलप है। आप जो है ना किसी भी जैसे जो फॉरवर्ड वाले हैं उनसे आप बात कीजिएगा तो बात बात में जो है ना वो लोग ऐसा कास्टिस्ट सलर बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो है ना एक बहुत ही जो है ना बोला जाता है कि मतलब भोजपुरी एरिया में, हाँ भोजपुरी में बोला जाता है जी जी, कि खेत खाए गधा जी और मार खाए झोला जी, मतलब कि गलती कोई करे और उसके लिए जो है ना पनिशमेंट जो है ना मिलेगा उसे जुलाहा को। तो ऐसे जो है ना बहुत सारे जो है ना कहावतें जो है ना समाज में गढ़ी गई हैं हमें जो है ना डिमीन करने के लिए, हमारा जो डिग्निटी है उसको जो है ना लो रखने के लिए, उसको तैयार करने के लिए। अच्छा, कास्ट को अगर आप सोशोलॉजिकली देखें तो कास्ट की एक बुनियाद है कि ऑक्यूपेशन, क्या ऑक्यूपेशन है। कास्ट की बुनियाद एक ये है कि जाति के अंदर में ही शादियाँ होती हैं। कास्ट की एक और बुनियाद है कि खान पान जो है ऊंची जाति के लोग जो हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ नहीं करते हैं। तो आपकी कम्युनिटी में जो ऑक्यूपेशन का जो मामला है, जो मतलब उनका क्या काम करते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो जाति का जो पेशा था वो अभी भी है या अभी उसमें बहुत तब्दीलियां आ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो जो परेशानी सबसे बड़ी है कि इकोनॉमिकली वेलफ नहीं है। तो करते क्या हैं कि जो हमारे समाज से जो लोग आते हैं आज भी जो है ना वहीं सिलाई के काम में जो है ना 15 से 16 साल की उम्र में जो उन्होंने 8वीं 10वीं के बाद जो है ना वो चले जाते हैं सिलाई करने। तो जो पैसा ना होने के वजह से जो एजुकेशन में जो है ना एजुकेशन सेक्टर में उनका रीच नहीं होता है, वो आ नहीं पाते हैं। तो इसी की वजह से जो कास्ट बेस्ड जो ऑक्यूपेशन है दोबारा उसी जो है ना साइकिल में जो है ना वो फंस जाते हैं और उधर धकेले जाते हैं। मतलब आप, करते आप, जाते आप हैं। ये कह रहे हैं कि अभी भी सिलाई के कारोबार में आपकी कम्युनिटी के लोग, अंसारी कम्युनिटी के लोग बड़ी तादाद में हैं? हाँ, आप बड़ी तादाद में, अभी मजबूरी है, मजबूरी की वजह से। हमारा भी जो है देखिए, हमारे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो है ना अब्बू जो है ना वो उन्होंने उनका मन था कि मैं सिलाई उसी में जाऊँ, सिलाई करूँ। लेकिन हमारे दादा जो है ना थोड़ा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन 6ठी तक पढ़े हैं वो, लेकिन थोड़ा उनके अंदर अवेयरनेस है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये नहीं करेगा, ये पढ़ेगा, इसको जो है ना इसको पढ़ाया जाए। क्योंकि गांव में अगल बगल जो है ना लोगों को उन्होंने देखा तो उनको जो लगा कि हाँ पढ़ाना चाहिए, और एजुकेशन का जो महत्व जो है ना, शिक्षा की जो है ना महत्व उनको पता चला, तो उसके बाद जो है ना हमें पढ़ाने की तरफ जो है ना हमें आगे किया गया। अच्छा, कुछ लोग मुस्लिम समाज के अंदर में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो मुसलमानों को जॉब नहीं मिलती है और जो जॉब मिलती भी है उसका भी लार्जर शेयर जो है वो अंसारी बिरादरी के लोग लेके चले जाते हैं, तो ये कहाँ तक सच्चाई और कहाँ तक अफवाह है? नहीं, हमको नहीं लगता है कि ये बेबुनियाद चीज़ें हैं, इसमें जो है ना कोई ये नहीं है। देखिए, जो अभी तक जो है ना हमें यहाँ तक आया तो हमें जो है ना अपने संघर्षों के बदौलत आया, जैसे हमने बताया कि हमें भी जो है ना वही बुनकर और फिर से जो ट्रेडिशनल जो पेशा है हमारा, जो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है, उसमें ही धकेला जा रहा था। लेकिन किसी तरह जो है ना हमने संघर्ष किया और संघर्ष करके जो है ना मैं यहाँ तक पहुँचा। तो जो लोग जो है ना जिनके अंदर अवेयरनेस थोड़ा भी आ रहा है पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर, चाहे अंसारी समुदाय से हो या फिर दूसरे भी समुदाय से हैं, तो धीरे धीरे लोग जो है ना वो पेनिट्रेट कर रहे हैं और फिर से जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के और या बाकी कॉलेज के कैंपसेस में जो है ना वो आना शुरू हुए हैं और पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जो है ना नौकरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर इस्लाम को अगर उसूलन ले तो शादी ब्याह के मामले में जात पात का कोई उसमें रोल नहीं है, है ना, कि आप अगर ईमान वाले हैं तो आप किसी दूसरे ईमान वाले से शादी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो किताबी बातें हैं, जो कुरान के अंदर में जो दर्स दिए हैं,
दर्स मौजूद है, जो प्रोफेट मोहम्मद की जो ज़िंदगी थी उसको अमली ज़िंदगी में मुस्लिम समाज अपना रहा है, या शादी ब्याह के मामले भी वो कास्टिज़म प्रैक्टिस करते हैं? आपको बताया मैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी जो है ना अभी भी है, जो जो मैरिज इंस्टीट्यूशंस भी हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशंस में भी अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएंगी उसमें, रिफ्लेक्ट है। और भी क्योंकि मुस्लिम्स में जो है ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि कोई जो है ना भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव का उन्होंने प्रावधान बोला कि नहीं होना चाहिए, मना भी किया उन्होंने इसको प्रैक्टिस करने को लेकर के। लेकिन लोग जो है ना इसको अपना जो ज़िंदगी है, सोशल लाइफ है, उसमें जो है ना अभी तक इसको लेकर के नहीं आए हैं, और वो झलकता है कि हाँ अभी जो है ना बराबरी नहीं हुआ है। अच्छा, कितने लोग मतलब अंसारी समाज में, अंसारी समाज के लड़के और लड़कियों से कितने लोग जो ऊपर बैठे हुए, जो चार पांच जो बड़ी जातियाँ, वो शादी करते हैं? आपको क्या लगता है 100 में कितने करते होंगे, या बिल्कुल इसका चलन है या नहीं है, क्या लग रहा है आपको इसका चलन? आपने क्या देखा अपने समाज में इसका चलन? हमको 100 में लगता है कि इक्का दुक्का जो है ना हो जाता होगा 100 में, लेकिन दुक्का नहीं होता है। नहीं, लेकिन अमूमन जो है ना समाज में जो है ना वो रिलेशन जो है ना, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, वो रिलेशन जो कास्ट वाइज ही है उसमें जो है ना ये नहीं किया तो जाता। आप कह रहे हैं कि जो कास्ट के बुनियाद पर जो शादी होती है, जो रिजिडिटी है जो मेजोरिटी कम्युनिटी में हम देख रहे हैं, उसी तरह की रिजिडिटी कमोबेश आपके समाज में भी देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल, वो रिजिडिटी जो है ना अभी भी कायम है, और एक्सेप्टेंस जो है ना जो अपवर्ड मोबिलिटी जो है ना उसमें है नहीं। अगर जैसे इकोनॉमिक के बेसिस पे अगर कोई आ गया तो धीरे डेवलप हुए, तो इक्का दुक्का जो केस मैं बता रहा हूँ आपको वो वही इकोनॉमिक केस वाला है कि जैसे जैसे इकोनॉमिकली डेवलप हुए तो सोशल जो है ना अपवर्ड मोबिलिटी थोड़ा बड़ा है, तो उन लोगों का जो है ना इक्का दुक्का केस आपको आ जाएगा। लेकिन अमूमन जो है ना ऐसे नहीं होता है, लोग शादियाँ नहीं होती हैं। तो आप ये आप पढ़े लिखे हैं, आप जेएनयू में आए हैं, यहाँ राजनीति को आप देख रहे हैं, तो ये मुस्लिम समाज के अंदर में जो इस्लाम की तरफ, जो सही इस्लाम की जो रोशनी है, जो सही जो टीचिंग है, उसकी तरफ लौटने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? जो उनके जो रिलीजियस जो बिरादरी हैं, जो उल्मा बिरादरी है, क्या उनकी तरफ से उस तरह की कोशिश हो रही है? देखिए, हमारी जो मांग है, हम कंस्टेंटली उसी जो इस्लाम में जो बराबरी का जो कंसेप्ट है ना उसी को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। हम उसको जो है ना जो थियोरेटिकल चीज़ है उसको प्रैक्टिकली जो है ना ग्राउंड पर धरातल पर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट कराने की हमारी मांग है। पूरा पसमांदा मूवमेंट का मांग यही है कि जो बराबरी है उसको जमीनी तौर पर जो है उसको उतारा जाए, तभी जो है ना जो पूरे जो कम्युनिटी है उसका जो है ना आप खैर खा और फिर से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ और फिर से वेलफ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तभी। अच्छा, जो रिलीजियस लीडरशिप है वो कास्ट के क्वेश्चंस को लेके कितना सीरियस है, आपको क्या लग रहा है? या फिर जो मिली तंजीमें हैं उनको, वो कास्ट को इरेडिकेट करने के लिए आपको लगता है कि उस तरह से बिल्कुल वो संजीदा है? देखिए, ये जो मुद्दा है, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ना, फिर इसको लेकर के लोग बात करना नहीं चाहते हैं, बहुत ही हेजिटेंट हैं लोग। जी जी जी, बहुत हेजिटेंट थे या अभी भी हेजिटेंट हैं? अभी भी जो अशराफ लोग जो है ना वो अभी भी हेजिटेंट हैं। जब भी हम डिस्कोर्सेज होती है हमारे दोस्तों के साथ, तो मैं जब भी बात करता हूँ ये तो बहुत ही हेजिटेंट होते हैं वो। पहले तो इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ है भी, ठीक है। वो उनका हालत ऐसा है ना कि जैसे शुतुरमुर्ग जो है ना देखता है कि दूर से कोई समस्या आ रही है तो जो है ना अपना सर जो है ना धरती में जो है ना बालू में गड़ा लेता है, वैसे ही ये है कि जैसे जो समस्या है इसको जो है ना वो फेस नहीं करना चाहते हैं। जबकि अभी जो इसका ये है कि समस्या को जो है ना फेस करना होगा और उनको जो है ना अपना सर मिट्टी से बाहर निकालना होगा, शुतुरमुर्ग की तरफ बाहर निकालिए और समस्या को फेस कीजिए, इसका समाधान की तरफ हमें जाना होगा, हमें जो है ना सोशल जस्टिस की तरफ जाना होगा, तभी जो है ना आगे की तरफ जो है ना हम लोग बढ़ पाएंगे। अच्छा, आप लोगों के साथ जो खान पान का जो मामला है, जिसको अम्बेडकर जी कहते हैं इंटर डाइनिंग, ये कितना पाया जाता है आपके समाज में, मतलब जो पसमानदा होंगी और जो अशराफ के बीच में होंगे, कितने फ्रीक्वेंटली आप लोग एक दूसरे को बुलाते हैं एक शादी ब्याह त्यौहार में? देखिए, ये सब शादी ब्याह में ही होता है। जब शादी होती है, कम्युनिटी गैदरिंग होती है जी, तो लोग आपस में बुला लेते हैं। लेकिन फेस्टिवल के जैसे फेस्टिवल के तौर पे जो है ना, फेस्टिवल के दिन अगर आप चाहें गांव में देखेंगे, हमारे गांव का तो यही मामला है कि गांव में देखते हैं कि फेस्टिवल के दिन लोग जो है इंटरमिंगलिंग नहीं है, इंटर डाइनिंग नहीं है, उस दिन भी नहीं होती इंटर डाइनिंग। अब जो अपने समुदाय के लोग हैं अपने ही मोहल्ले में जो है ना अपने साथ मिल के खाएंगे, और दूसरे समुदाय के साथ जो है ना जो उससे जो है ना मिलना जुलना जो है ना नहीं होता है उन लोगों का। तो जो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है ना वो जो है ना वो बना हुआ है, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है ना। अच्छा, उस फेस्टिवल्स के मामले पे भी जो है ना आपको इस सारे मौके पे जो है ना वो झलकता है,
आपको दिख जाएगा। अच्छा, अली अनवर साहब की किताब, जो दो किताब है, मसावात की जंग और दलित मुसलमान, उसमें उन्होंने साफ साफ जिक्र किया है कि कई मौक़ों पे क्या होता है कि कब्रिस्तान भी जात पात के बुनियाद पे अलग कर दी जाती है। और उन्होंने एक हाजीपुर का एक एग्जाम्पल भी दिया, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ, कि वहाँ पे जो लोअर कास्ट के लोग किसी कब्रिस्तान में अपने घर के किसी को दफन करने के लिए लेके गए, तो वहाँ पे उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई कि नहीं नहीं आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, फिर पुलिस को इंटरवेंशन करना पड़ा। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं या ग्रेवयार्ड हैं, उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है। और अली अनवर साहब ने ये भी दिखाया है कि अनटचेबिलिटी भी जो है वो जो दलित मुसलमान है उनके साथ किया जाता है, लेकिन कुछ लोग अपर कास्ट जो मुसलमान है उसको ये डिनाई करते हैं, कहते हैं कि नहीं इस तरह की चीज़ें इस्लाम में नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। तो सही तस्वीर क्या है? सही तस्वीर ये, जैसे मैं आपको शुरू में भी बोला कि जो इस्लाम में जो है ना गैर बराबरी नहीं है, लेकिन मानने वाले में है। तो आप ग्रेवयार्ड में भी चले जाइएगा तो वहाँ पे जो है ना ये जो है ना सर्टिफिकेशन दिख जाएगा। हमारे यहाँ, मैं अपने गांव की बात करूँगा अगर, तो देखते हैं कि हमारे गांव में जो है ना कि वैसे ही कास्ट वाइज जो है ना वो बटा हुआ है। जो अंसारी हैं उनका अलग, ये जो कि एक जो है ना कोई पर्टिकुलर ऐसा प्लेस नहीं है, वो लोग अपने ही ज़मीन में जा कर के जो भी क्रिमेशन वगैरह होता है उधर करते हैं। जो हजाम लोग हैं, मुस्लिम में जो हजाम होते हैं, जो नाई वगैरह होते हैं, उनका अलग बना हुआ है, सिख लोग का अलग है, ऐसे जो है ना वो अलग अलग बना हुआ है। आप जो है ना किसी दूसरे के जो है ना ग्रेवयार्ड में लेकर के नहीं जा सकते, आपको अपने ही में लेकर के जाना होता है। तो इसके लिए सामाजिक इस्लाह या सोशल रिफॉर्म्स का जो मूवमेंट है वो कभी चला है या आप लोग चलाने की कोशिश करते हैं? नहीं, इसी चीज़ को मैं तो इसी मूवमेंट से जुड़ा, पसमंदा मूवमेंट से जुड़ा, और कॉन्शियसनेस को जो है ना बढ़ाना है समाज में कि ये सारी चीज़ें जो है ना जो गैर इनइक्वालिटी जो है ना इसी को ख़त्म करने के लिए जो है ना मैं इस पसमंदा मूवमेंट से जुड़ा हूँ और इसको जो है ना आगे लेकर के जाना है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पसमानदा मूवमेंट जो है उसको हाईजेक जो है वो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, बीजेपी, ये लोग कर चुके हैं, ये कहाँ तक आप सही मान रहे हैं इस बात में? देखिए, इस बीजेपी रेजीम में जो है ना सबसे ज़्यादा कोई किसी को प्रोजेक्यूट किया गया है मुसलमानों में तो पसमानदा है। ये जो बुलडोजर जस्टिस जो चल रहा है, बुलडोजर जस्टिस में सबसे ज़्यादा घरों को गिराया गया तो पसमानदा है। मॉब लिंचिंग जो हो रहा है, हुआ अपने यहाँ कंट्री में, सबसे ज़्यादा उसमें किसी का नुकसान हुआ तो पसमानदा है, उन लोगों का मॉब लिंचिंग हुआ। तो मुझे तो नहीं लगता है जब बीजेपी जो है ये जो ये है ये ढोंग कर रही है, ये ढोंग कर रही है पसमानदा डिस्कोर्स को आगे लेकर के जाने में, इसमें कोई इसका इसका कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, कुछ पसमानदा लीडर जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव है और एक आध अखबार में मैंने उनकी रिपोर्ट भी पढ़ी थी और उनके आर्टिकल को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इस रिजीम में, जैसा कि आपने कहा, उससे बरक्स वो ये कह रहे हैं कि इस रिजीम में पसमानदा मुसलमानों के जो मसाइल है उसको लेके लोग संजीदा है तो उधर चलना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसे पसमानदा लीडर जो हैं जो बीजेपी के पास चलने की बात करें, क्या आपको लगता है कि कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग जो है ना शुरू से बीजेपी के मुखालफत हैं कि चूँकि वो जो है जो जेन्युइन डिस्कोर्सेज है, देखिए पसमानदा डिस्कोर्स जो है ना ये बीजेपी ने नहीं खड़ा किया, पहली बात मैं बता देता हूँ। ये बीजेपी 1998 से जो है ना पसमानदा डिस्कोर्स है, ये है कि इधर जो है ना आने इधर कुछ दिनों जो है ना इसको बातचीत, इस पर जो है ना बातचीत शुरू हुआ है तो आया थोड़ा मेन डिस्कोर्स में जो है ना आया है, लेकिन इस पूरे मूवमेंट को खड़ा करने में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बीजेपी जो है ना बस इसको अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में जो है ना वो उनको जो है ना ऊ कर रही है जो पसमानदा है, लेकिन जो है ना हमें मालूम है कि हमारे जो है ना लीडर्स कौन हैं, हमें जो है ना गलत दिशा में जो है ना हमें नहीं जाना है, हमें जो है ना वो, चूँकि जो बीजेपी जो है ना ये सेकुलर फोर्स नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है कैंपसेस में और फिर से देश में मुसलमानों के साथ जो है ना क्या हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। तो हर एक जगह जो है ना सेकंड क्लास सिटीजनशिप का किसी ना किसी तरीके से जो है ना फील करा दिया जाता है कि हाँ आप सेकंड ये हैं। तो ये सारे जैसे CANRC का मामला है, CANRC में कौन, अगर CANRC बीजेपी लेकर के आई है तो इसमें कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पीछेंगे? इसमें वो पसमानदा है सबसे ज़्यादा पीछेंगे, चूँकि वो लोग जो है ना एजुकेटेड, एजुकेशन का अवेयरनेस उनके अंदर नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आज भी जो है ना आप चले जाइए गांव में ना, तो किसी का नाम जो है ना डॉक्यूमेंट में कुछ है और जाति जो बोलने तौर पे कुछ है, चार डॉक्यूमेंट है तो चार डॉक्यूमेंट में उनका नाम जो है ना अलग अलग है, दस्तावेज में नाम अलग अलग है। तो इस पूरे चक्कर में जो है ना साइकिल में पीछे है कौन? पसमानदा पीछेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी जो है ना हमारी आवाज़ को जो है ना वो ये कर रही है, और जो लोग भी उस तरफ जो है ना रुझान कर रहे जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको सोचने की ज़रूरत है और सही दिशा चुनने की ज़रूरत है। अच्छा, आप JNU छात्र राष्ट्रीय जनता दल से आप
जुड़े हुए हैं, तो क्या यहाँ आके जुड़े इसके बारे में कुछ हमें बताइए कि कैसे इस संगठन के साथ आपका रुझान बढ़ा? जी, मैं कैंपस में आया 2018 में, और आने के बाद मैं कैंपस को धीरे धीरे जानना शुरू किया। उस समय जो है ना, वहाँ पे 19 में जो है ना, जब कैंपस के यूनिवर्सिटी का इलेक्शन था, तो 19 में हमारे झेलम हॉस्टल में एक टॉक ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मैं झेलम में ही था, मुझे झेलम ही अलॉट हुआ था। तो झेलम में मैं टॉक में उस मिस टॉक में शामिल हुआ। तो धीरे धीरे समाजवाद को जाना, सोशल जस्टिस को जाना, सेकुलरिज्म को जो है ना जाना वहाँ से। उसके बाद से मैं अपने पर्सनल लेवल पे जो है ना उसका पढ़ना शुरू किया, और कुछ सालों तक जो है ना कैंपस में ऐसे ही, क्योंकि जानने की इच्छा थी, कैंपस नया नया था हमारे, जो कैंपस को जाना, फिर जानने बूझने के बाद जो है ना मैं छात्र राजद में जो है ना शामिल हुआ। क्योंकि हमें, मुझे, मेरा जगह जो है ना लगा कि छात्र राजद ही है जो कि हमें, मेरी जो आवाज़ है उसको बुलंद करने में, उसको मजबूत करने में, वहीं प्लेटफॉर्म मुझे सबसे अच्छी रही है। और इस ये साबित भी हुआ, हमें जो है ना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे हमें उस यूनिवर्सिटी के मन से अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मौका दिया गया। और जो है ना, और भी हमारा संगठन जो है ना हमारे साथ खड़ा है इस चीज़ों को लेकर के, जो जो सोशल इनजस्टिस है उसको जो है ना कैसे, जो प्रोसिक्यूटेड हैं, कैसे जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उसको सोशल जस्टिस जो है ना कैसे दिलाया जाए। चूँकि हमारी पार्टी जो छात्र राजद है उसका मोटो ही DSS है, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म। तो सोशल जस्टिस के जो पिलर्स हैं उसको कैसे मजबूत किया जाए, तो इसी पिलर्स को मजबूत करने के लिए मैं उसमें शामिल हुआ, अपनी आवाज़ अभी उस प्लेटफॉर्म से बुलंद कर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की जो पार्टियाँ हैं उनको मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन लीडरशिप देने में मुसलमानों को आगे नहीं आते हैं, और बहुत सारे आप देखेंगे राज्यसभा हो या मंत्री हो या लोकसभा के टिकट हो, जो मुसलमानों की जो आबादी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, वो नहीं दे पाते हैं। तो फिर वो कैसे अलग हुए उन पार्टियों से जो मुसलमानों को बिल्कुल धकेल के रखना चाहती है? नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात, आप अगर आप आज के डेट में, मैं जिस संगठन से आता हूँ छात्र राजद से, आज के डेट में इस ऑफिस बिरर के कंपोजिशन पर देखिएगा, तो मैं छात्र राजद का प्रेसिडेंट हूँ फिलहाल, पसमंदा समाज से आता हूँ। और हमारे ऑफिस बिरर्स में जो है ना हर एक डाइवर्स जो है ना कास्ट, उसमें जो है ना कास्ट कंपोजिशन के लोग हैं, मलहा से भी हैं, SC से भी लोग हैं, और भी असराब भी हैं, और भी लोग जो है ना हमारे हैं। तो जो जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, डाइवर्सिटी जो है उसकी शुरुआत जो है ना शुरू हो गई यहाँ से। तो चीज़ें जो है ना पहले जैसी थी उसके बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन अब जो है ना बदलाव की शुरुआत, मैं जहाँ से हूँ, मैं जिस पार्टी संगठन से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पर जो है ना शुरुआत हो गई है। तो हमारे आवाज़ को जो है ना अब जैसे भी आगे किया जा रहा है इसमें सही मानों में, जैसे मैं जहाँ तक हूँ यहाँ से, तो मुझे लग रहा है कि आगे किया जा रहा है, इसलिए मैं जुड़ा हूँ। अच्छा, सामाजिक न्याय की जो पार्टियाँ हैं उसके बारे में जो पासमांदा के जो लीडर्स होते हैं उनका एक इल्ज़ाम होता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ही मोनोलिथिक तौर पे देखते हैं, या जब कभी टिकट का बंटवारा किया या कभी कोई पोस्ट दिया तो ये नहीं देखते हैं कि जो बहुसंख्यक है वो दलित और पासमांदा है, उनकी जगह पे दो चार जो बड़ी जातियाँ हैं उन्हीं को सारा, मतलब सारी सीटें चली जाती हैं। तो ये आप समझ रहे हैं कि पासमांदा डिस्कोर्स को सामाजिक न्याय की जो पार्टियाँ हैं वो बहुत ही सीरियसली लेगी, आप क्या उसमें इंटरवेंशन करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो लाइन है, जो टिकट लेने की जो लाइन लगती है, आप देखिए तो जो आगे जो है ना असराफ ही हैं, तो हमें जो है ना हमारी बारी आती ही नहीं, जब तक टिकट लेने पहुँचे तब तक टिकट जो है ना ख़त्म हो गया है। तो चीज़ें जो है ना अब जो है ना धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है हमारे अंदर, तो हम लोगों को जो है ना जागरूक कर रहे हैं, तो हमारी भी जो है ना हम लाइन में जो है ना आगे होंगे, तो हमें भी जो है ना आने वाले दिनों में हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है ना बिल्कुल बढ़ेगी। मुझे पूरा पॉजिटिव उम्मीद है हमें अपने संगठन से और भी लोगों से जो है ना। अच्छा, मुसलमानों को जो पॉलिटिकली एक्सक्लूड करने का एक जो पूरा सिस्टम जो चल रहा है कि जो कम्युनल पार्टियां हैं वो मुसलमान के खिलाफ सियासत करेंगी और सेकुलर पार्टियां उनका नाम नहीं लेंगी क्योंकि उनको लगता है कि इससे मेजॉरिटी कम्युनिटी उनको वोट नहीं देगी, तो ये संकट है, इसका क्या समाधान आप देख रहे हैं? देखिए ऐसे हमारे पार्टी जो छात्र राजद है ना, RJD को देख लीजिए, कैसे जब CA NRC जब लेकर के ये कानून जब आए थे 2019 में, तो पूरे बिहार में जो है ना तेजस्वी जी ने जो है ना पूरा रैली किया था उन्होंने। तो इस जो जो इस्लाम वाला मुद्दा है, जो सेकुलरिज्म वाले मुद्दे हैं, सेकुलरिज्म की जब जब बात आती है तो इस देश में जो है ना हमारे आदरणीय नेता लालू जी को जो है ना याद किया जाता है, कैसे उन्होंने जो है ना जो आडवाणी का रथ यात्रा उन्होंने रोका था, जो जगह जगह जाकर के जो है ना कम्युनल वायलेंस वगैरह कर रहे थे। तो इस मामले में हमारी पार्टी जो है ना हमेशा जो है ना मजबूत रही है, और सेकुलरिज्म के खिलाफ जो भी फोर्सेज जो है ना खड़ी हो रही हैं तो उसको जो है ना टक्कर देने के लिए हमारी पार्टी जो है ना हमेशा से खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और आप प्रैक्टिकल मानों में भी जो है ना CA NRC जब हुआ तो कैसे उन्होंने पूरा रैली किया, इकट्ठा किया,
आप देख सकते हैं इसको, तो हमारी पार्टी कंस्टेंटली जो मुद्दा है इसको उठा रही है। अच्छा, आपने जेएनयू इशू का प्रेसिडेंट का इलेक्शंस लड़ लिया और आपको काफ़ी लोगों ने आपकी बातों को बहुत सराहा भी, आगे आने वाले दिनों में आपका राजनीतिक सफ़र कैसा होगा इसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, मैं पसमानदा मूवमेंट पे जो है ना अभी काम करना चाह रहा हूँ, इसको और मजबूती दिलाने के लिए लोगों से मिलना, लोगों को बेदार करना, जो भी इस कैंपसेज में जो है ना बहुत सारे लोग हैं जो जिनके साथ जाती तो हुई है लेकिन उस चीज़ को जो है ना वो खुल के बात नहीं करना चाहते हैं, तो लोगों को जोड़ना, उनको हकों की बात करना, धीरे धीरे जो है ना लोगों को जोड़ेंगे और आगे जो है ना देखते हैं कि इसी चीज़ में जो है ना पसमानदा मूवमेंट को लेकर के जो है ना हमारी पार्टी भी आगे बढ़ेगी और हम इसको जो है ना बिहार में जो है ना इसको आगे लेकर के जाएंगे और बाकी जगह भी जो है ना इसको आगे लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे अफरोज आलम, छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और ये इस बार के जेएनयू इशू इलेक्शन 2024 में इन्होंने पसमानदा जो सवाल है उसको काफ़ी केंद्र में रखा और लोगों ने बड़ी इनकी तारीफ़ की और आज इन्होंने खुल के सारी बातें कहीं और कहा कि किस तरह से इक्वालिटी की ज़रूरत हर समाज में है, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, और जो पसमानदा समाज के लोग हैं वो कई तरह के शोषण के शिकार हैं, उनको एक हिंदू सांप्रदायिकता जो हिंदुत्व का जो सांप्रदायिकता है उससे भी उनको चोट है और अपने समाज के जो लोग भी जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो भी उनको गले नहीं लगा पा रहे हैं। अफरोज, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय कयूम। शुक्रिया साथियों, थैंक यू।